हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे जिनके रहस्य अनसुलझे हैं। इन रहस्यों को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जगह है सैन लुइस वैली। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्यमयी जगह हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन जगहों से जुड़े रहस्य को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसा ही एक जगह अमेरिका के कोलोरेडो राज्य में स्थित सैन लुइस वैली है, जो न्यू मेक्सिको के कुछ हिस्सों तक फैली है। 8,000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली यह वैली 196 किलोमीटर लंबा और 119 किलोमीटर चौड़ा है, जहां पर रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती है। वहीं इस जगह पर पालतू जानवरों को मरने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। इसके अलावा जानवरों के शरीर में घाव दिखाई देता है। वहीं कई बार शरीर के अंग भी गायब हो जाते हैं, लेकिन मरे हुए जानवर के शरीर पर खून के एक भी बूंद दिखाई नहीं देती है। ऐसा कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। इसके बारे में जुड़ी मोसोलिन नामक एक महिला ने कहा था कि वह साल 2000 से अब तक 50 से ज़्यादा यूएफओ को यहाँ पर उतरते हुए देख चुकी है। हालांकि इन घटनाओं के पीछे एलियंस है या कुछ और, ये अभी तक एक रहस्य ही है। और हमारा दूसरा जगह है बरमूडा ट्रायंगल। आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। इस जगह पर आज तक सबसे अधिक संख्या में सीप और प्लेन गायब हुए हैं। ब्राजील के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र का एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में इस प्रकार की रहस्यमयी घटनाएं क्यों होती है, इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि वैज्ञानिक का कहना है कि इस क्षेत्र में रेडिएशन की विसंगति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां पर पृथ्वी के अंदर की वैन एलन रेडिएशन बेल्ट अन्य ग्रहों के सबसे नज़दीक होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में रेडिएशन की तीव्रता अधिक हो जाती है। हमारा तीसरा जगह है बैनिंगटन ट्रायंगल। यह ट्रायंगल अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वेरमोंट के ग्लास्टेनबरी माउंटेन के मध्य में स्थित है। इस इलाके में बड़े बड़े पैरों वाली मानव आकृतियां, विचित्र आवाजें और रोशनी दिखाई देती है। अमेरिकी इसे शापित इलाका मानते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ बालों वाला जंगली इंसान घूमता है और जंगल में कई रहस्यमयी जानवर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं। हमारा चौथा जगह है एंगिकुनी लेक। एंगिकुनी लेक कनाडा के किबलिक रीजन में नूनाबूट में केजान नदी से लगी हुई है।
इस झील के बारे में एक बात प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1930 में इसके किनारे बसे गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए। इसके बाद उनका पता नहीं चल सका। इस गांव की आबादी लगभग 2000 रही होगी। और हमारा पांचवा जगह है मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन ट्रायंगल अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो 307 मील लंबी और 188 मील चौड़ी है। लेक मिशिगन में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए यह रहस्य ही है। इस क्षेत्र में आए दिन रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती है। तो दोस्तों, तो आज इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।